हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कैसे हैं आप लोग। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, आज का अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, जिसे आप हिंदी में अनुपात तथा समानुपात के नाम से जानते हैं। देखिए, एफ कैट का जो मैथ का सिलेबस है वो बहुत ही लिमिटेड है, तो जितने भी टॉपिक आपको पहले स्टार्टिंग में पढ़ाए जा रहे हैं सभी क्या हैं, आपके एफ कैट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीडीएस में भी ये टॉपिक पूछे जाते हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया था, पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ कैट का सिलेबस समाप्त करेंगे, उसके बाद जो बच जाता है। और देखो, वीक में लास्ट के 3 दिन रविंद्र सर आपको एडवांस मैथ पढ़ा रहे हैं, तो आप अपना वहाँ से एडवांस मैथ, जो सीडीएस वाले स्टूडेंट हैं वो अपना वहाँ से कवर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली आज जो हमारी क्लास होगी वो क्या होगी, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट समझाया जाएगा और आप खुद ही क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बताओगे क्या होगा। सभी लोग ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे कहता हूं दो व्यक्ति हैं ए और बी, ध्यान से सुनिएगा, दो व्यक्ति हैं कौन कौन, ए और बी हैं। बताया जा रहा इनके पास जो पैसा है उसका रेशियो कितना है, उसका अनुपात कितना है, 2:5 है। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए रेशियो का मतलब क्या है। आप किसी भी मतलब दो वस्तुओं के मूल्य की या फिर दो वस्तुओं के क्वांटिटी, यानी कि आप क्या कर रहे हो, तुलना कर रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो, उन दोनों का कंपेयर करो। जैसे यहाँ पे कंपेयर किसका किसका किया गया है, ए और बी के पैसे का कंपेयर किया गया। हमने बताया 2:5 के रेशियो में उनके पास पैसा है। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, बताओ ए के पास कितने रुपए हैं, कोई कमेंट करके बताएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं ए के पास कितने रुपए हैं, बताइए। और जितने साथी यहां पे जुड़े हैं सभी लोग सेशन को क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। क्या पूछा गया आपसे कि ए के पास कितने रुपए हैं, देखते हैं आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है। बिल्कुल सही, नहीं बता सकते। ऐसे आप कुछ भी नहीं बता सकते हो जब तक क्या ना बताया जाए भाई, जब तक ये ना बताया जाए। ये तो अनुपात दिया गया, इसका कहने का मतलब क्या, देखो अगर ए के पास 200 रुपए होंगे इसका सिर्फ इतना मतलब है, तो बी के पास क्या होंगे, 500 रुपए होंगे। और अगर ए के पास 2000 रुपए होंगे तो बी के पास कितने रुपए होंगे, 5000 रुपए होंगे। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है, यानी कि सब मिला जुला के आप ये कहते हो अगर आपके पास ए के पास एक्स गुना पैसा होगा तो बी के पास भी क्या होगा, 5x गुना पैसा होगा। ये आप बता सकते हो, ठीक है। अगर इसी रिस्पेक्ट में बात करूं, ए रेशियो बी आपका दिया गया है 3:5, ठीक है, और आपसे बताया गया बी के पास, हमने बता दिया भैया बी के पास ओरिजिनल में क्या है, 24,000 रुपए है। बी के पास कितना पैसा है, 24,000 रुपए है। तो मैं आपसे पूछूं, बता दो ए के पास कितने रुपए है, बताइए आप सॉल्व करके। रेशियो का मतलब क्या है, कंपेयर करा रहे हैं हम लोग, दो डाटा को कंपेयर करा रहे हैं। हिंदी में अगर समझना चाहो तो उनकी हम लोग क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। बताइए, क्या बोला गया है, ए और बी के पास जो पैसे हैं उनका अनुपात क्या है, 3:5 है। जो बी के पास पैसा वो कितना है, 24,000 रुपए है। तो आपसे पूछा जा रहा है ए के पास कितने रुपए हैं, सॉल्व करके बताएं। हाँ सुधीर कुमार जी, वो दोनों क्लासेस भी आज होंगी, 6 PM वाली और 9 PM वाली। तो आप कैसे कंपेयर कैसे कराओगे, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। आप कंपेयर कैसे कराएंगे, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू दे दी गई, कितना, 24,000, यानी कि 24,000 रुपए दे दी गई। बताओ कितने दिया, कितने गुना दिया गया है, 5 से डिवाइड करेंगे ये कितना आएगा, 4 आएगा, और ये आपका 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 00, यानी कि 4800 गुना दिया गया है। कितने गुना दिया गया है, 4800 टाइम्स दिया गया है।
ठीक है, तो इस 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी 4800 गुना हो जाएगा, 4800 टाइम्स हो जाएगा। तो आप बता पाएंगे सर ए के पास कितने रुपए हैं, 3 × 4800, ठीक है, सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा आपका 8 × 3 = 24, यानी कि 14400 रुपए। क्लियर है, क्या होगा 14400 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। देखो अब अगर बात करें जो हमारे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सभी लोग ध्यान से समझिएगा। क्या होता है, ए रेशियो बी जैसे दे दिया गया 2:3, ठीक है, और बी अनुपात सी दे दिया गया, आपसे पूछा गया ये 4:5 है, तो ए बी सी का क्या करना, आपको अनुपात बताना है, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा ये आपको बताना है। क्या दिया गया है, ए रेशियो बी दिया गया है आपके क्वेश्चन में 2:3, और बी रेशियो सी दिया गया है 4:5, तो आपसे पूछा जा रहा है ए बी सी का अनुपात क्या होगा, बताएं सॉल्व करके। अब देखो कैसे सॉल्व कैसे करते हैं, ये चीज आप ध्यान से समझिएगा। आपने बोला सर ए रेशियो बी रेशियो सी हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है, ध्यान से सभी लोग समझिएगा। इसके कई तरीके हैं, कई मेथड हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा आप खुद ही सॉल्व करोगे। ये 2:3 दिया गया और ये 4:5 दिया गया। देखो आप क्या करो, यहां पे स्पेस दिखाई पड़ रहा, इसके बाद तो कोई संख्या है नहीं, इसके पहले 3 दिखाई पड़ रहा, आप यहां पे क्या करेंगे 3 पुट करा देंगे, यहां पे स्पेस है, ठीक है, इसके पहले कोई संख्या नहीं, इसके बाद 4 दिखाई पड़ रहा, आप यहां पे क्या करो 4 पुट करा दो। अब सबका क्या करिए, आप गुणा करा लो, जब गुणा कराओगे ये क्या होगा 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 5 × 3 = क्या होगा 15 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, मेथड समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके बताइए। एक डायरेक्ट अप्रोच भी बताऊंगा, बट याद रखना जब क्या होंगे, जब जैसे ए रेशियो बी दिया जाएगा, बी रेशियो सी दिया जाएगा, सी रेशियो डी दिया जाएगा, तब वैसे क्वेश्चन में आपको क्या होगी दिक्कत होगी। अब देखो दूसरा तरीका आप समझिएगा, आप कैसे निकालते हैं, ए बी और सी का अनुपात पूछा गया, ये 2:3 दिया गया, ये 4:5 दिया गया। क्लियर है, ए का निकालना आप क्या करो, पहले वाले मतलब दोनों के पहले वाले डाटा का क्या करो गुणा करा दो, जैसे 4 × 2 = 8, ठीक है। अब दूसरा यानी कि बी का पता करना है, तो दूसरे से आप चले जाएंगे पहले के पास, 3 × 4 क्या होगा 12 हो जाएगा, और लास्ट वाले का क्या होगा, लास्ट वाले का गुणा यानी कि 15 हो जाएगा। तो 8:12:15 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, चलिए जिसको जिसको समझ में आया है एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए रेशियो बी, देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितना दिया गया है, ये दे दिया गया 5:3, और बी रेशियो सी कितना दिया गया है 2:3, आपसे फिर से वही पूछा जा रहा है ए बी सी का अनुपात क्या होगा, बताइए सॉल्व करके ए बी सी का अनुपात क्या होगा, सभी लोग सॉल्व करके बताएं। हाँ देखो तबीयत मतलब पहले से बेटर है, पहले से ठीक है, इसी वजह से तो क्लास ले रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या बोला जा रहा है, ए रेशियो बी दिया गया है 5:3, बी रेशियो सी दिया गया 2:3, आपसे ए बी सी का अनुपात पूछा जा रहा है, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो सभी लोग सॉल्व करें और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए सॉल्व करके,
आइए समझते हैं। देखो, अगर बात करें डायरेक्ट आपको सॉल्व करना, तो पहले आपको पता ऐसे लिख लो, 5:3 ये दिया गया, 2:3 ये दिया गया, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और 3 × 3 = 9 हो जाएगा। तो 10:6:9 क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर आ गया। सभी लोगों का यही आ रहा है, 10:6:9 क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन, अब थोड़ा सा दिक्कत आपको आएगी कहाँ पे, जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ए रेशियो बी क्या दिया गया, सभी लोग ध्यान से समझना, 1:2, ठीक है। बी अनुपात है सी क्या दिया गया है, 3:4, ठीक है। और सी अनुपात है डी क्या दिया गया है, 2:5, ठीक है, 2:5 दिया गया। अब आपसे पूछा जा रहा है ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा, सभी लोग सॉल्व करके बताइए। ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा, सभी लोग सॉल्व करके बताएं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। कहीं गए नहीं है, यहीं पे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करें और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा, सॉल्व करके बताइए। देखो सुधीर कुमार, एक कमेंट तुम बार बार किए जा रहे हो भैया, बार बार हमने समझाया कि आप ऐसी हरकतें ना किया करें। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मेथड हमने आपको बता दिया है कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे बड़े में इसको सॉल्व करते हैं, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 1:2, 3:4 और ये आपका दिया गया 2:5, कैसे सॉल्व करोगे। देखो सबसे आसान मेथड और जिसमें आपकी गलती करने के चांस एकदम कम होंगे, वो आपको जो हमने पहले बताया आप उस मेथड को फॉलो करो। यानी कि यहाँ पे कुछ आगे कोई संख्या है नहीं, पीछे 2 दिखाई पड़ रहा, तो दोनों जगह आप क्या करोगे, 2-2 फिल कर दोगे। यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। अब इसके पहले कुछ नहीं तो बाद वाला नंबर यानी कि 3 आप फिल करोगे। यहाँ पे इसके पहले कुछ नहीं, बाद वाला नंबर 2 है, तो सब जगह आप 2 रख देंगे। अब क्या करना, सीधा गुणा कराना है, 3 × 2 = 6। और देखो गुणा कराने से पहले आप ये देख लो क्या हमें कोई नंबर कॉमन दिख रहा है, तो मुझे सब जगह 2 कॉमन दिख रहा है, तो आप 2 को कट भी कर सकते हो, ठीक है। अब आंसर आपका क्या आएगा, 3:3, 3×6 = 4, 2×8 और 5×20, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा बिना किसी दिक्कत के। और कभी भी आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत नहीं होगा अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। ठीक है, तो जिसको जिसको थोड़ा दिक्कत रही होगी यहां पे समझ में आ जाएगा। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डाटा आपको डिफिकल्ट दिखाई पड़ सकता है। ए रेशियो बी क्या दिया गया है, थोड़ा सा बड़ा डाटा होगा, 2:3 दिया गया है। और अगर बात करें बी अनुपाते सी क्या दिया गया, ये आपको दिया गया 5:7 दिया गया है। और अगर बात करें सी अनुपाते डी की, तो ये आपका क्या दिया गया है, 4:7। बताइए सॉल्व करके, करना क्या आपको, ए बी सी डी का रेशियो बताना है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, ये आपको बताना है। और देखो जरूरी नहीं कि सी अनुपाते डी तक, मान लो ए बी बी सी सी डी और डी ई का भी रेशियो दे दिया जाए और आपसे ए बी सी डी ई में रेशियो पूछा जाए, तब भी क्या करेंगे आप, ऐसे ही सॉल्व करेंगे जो मेथड आपको बताया गया। और जो लोग लेट में आए, देखो क्लास की टाइमिंग आपको पता, ये दोपहर में 1 बजे चलती है, बीच में 2 दिन क्लास आपकी नहीं हुई थी, तबीयत खराब थी, शायद एक ही दिन नहीं हुई है, कल नहीं हुई थी आपकी क्लास, उसके पहले तो हुई थी। आइए समझते हैं, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया, और ये क्या हो गया, डी हो गया।
कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पे कोई टर्म, देखो मैं इसीलिए अलग इंक से उसको लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, यहाँ पे सी और डी के नीचे कोई डिजिट नहीं है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे इसके पीछे जस्ट पीछे तीन दिखाई पड़ रहा है, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे भी तीन, यहाँ पे भी तीन रख दोगे, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो सात आ जाएगा, और यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है इसके आगे पीछे अगर कोई नंबर दिखाई पड़े वही फिल कर दें, तो यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है पाँच, और यहाँ दोनों जगह चार रख दोगे, ठीक है। अब आप एक बार देखेंगे क्या कोई ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर दे, कोई ऐसा नंबर नहीं, यानी कि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो गुणा करा लीजिए, दस चौके क्या होगा चालीस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा बीस यानी साठ हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा इक्कीस इंटू फोर यानी कि 84 हो जाएगा, और अगर इसकी बात करें तो क्या होगा सात तरीक इक्कीस और 21 इंटू सेवन क्या होगा 147, और यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, इसके अलावा जिसका जो भी आ रहा वो क्या है गलत है, समझ में आया? चलिए समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और बाकी जो लोग लेट हैं वो एक बार क्लास स्टार्टिंग से आप देखिएगा। अब देखो एक टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, यानी कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर कराएगा, ए रेशियो बी दिया गया मान लो 2:3, ध्यान से सुनिएगा, और बी अनुपाते सी दे दिया गया 6:7, तो आपसे पूछा जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, बताइए बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए अनुपाते बी दिया गया 2:3 और बी अनुपाते सी दिया गया 6:7, आपसे ए बी सी का रेशियो क्या किया गया है यहां पे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, तो सॉल्व करके बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। आरती, विजय, लक्ष्य, नितिन, गौरव, नेहा, नीलम, बहुत बढ़िया, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो आप उस मेथड से सॉल्व करोगे आंसर आपका आ जाएगा, बट अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं पे दिया जाए कि बी आपका जो है सेम या फिर मल्टीपल दिखाई पड़े, जैसे आपने देखा यहाँ पे बी क्या है 2 गुना दिखाई पड़ रहा है, भाई बी क्या दिया गया 2 गुना दिया गया, तो आप क्या करो इसी को क्या करो 2 गुना बना लो, यानी कि ये अनुपात जब आप 2 से गुणा कराओगे 4:6 हो जाएगा। अब जब अगर दोनों जगह बी सेम हो गए, देखो यहाँ पे भी बी 6 हो गया, यहाँ पे भी बी 6 हो गया, तो आप डायरेक्ट अनुपात लिख सकते हैं 4:6:7, यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, तो उस मेथड से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, समझ में आई बात, क्लियर हुआ कि नहीं कमेंट करके बताओ। अब देखो जितने लोगों को क्लियर हुआ है वो लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, और बाकी जो यहां पे गलती करेंगे अभी फिर उनसे देखेंगे उन्होंने गलती कहां पे की है। ए अनुपाते बी आपका दिया गया 3:4 और सी अनुपाते बी दिया गया आपका 4:5, आपसे पूछा जा रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बी सी, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, और कई लोग एग्जाम में क्या करते हैं गलत कर देते हैं, गलत कैसे करते हैं वो भी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या करना है ए बी सी का आपको रेशियो बताना है क्या होगा, बताइए सॉल्व करके। बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एबीसी का रेशियो आपसे पूछा गया है क्या होगा, सभी लोग सॉल्व करें और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो कुछ लोगों का आंसर आएगा 3:4:5, मैं पहले ही बता देता हूं, ठीक, और कुछ लोगों का आएगा 15:20:16। अब देखो जितने लोगों का ये 3:4:5 आ रहा है ना, ये लोग नींद में हैं। बबलू कुमार जी जैसा कह रहे थे कि कितने लोगों का नींद अभी टूटा है, भैया आप अभी भी नींद में हो, टूटा भी नहीं है। 3:4:5 क्या गलत है, और पहला ऑप्शन आपको 3:4:5 ही दिखाई पड़ेगा। देखो यहाँ पे इतने कम लोग हो फिर भी कुछ लोग गलत कर दिए, तो एग्जाम इतने ज्यादा लोग देते हैं वहां पे मतलब लगभग 30-40% लोग क्या करते हैं इसका आंसर यही लगा के चले आते हैं, जबकि उन्होंने ये नहीं देखा कि यहाँ पे सी और बी का अनुपात 4:5 दिया गया है। जैसे कि अगर बात करें ए बी सी का, देखो ये तो 3:4 दिया गया, बट बी और सी का अनुपात नहीं दिया गया। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं बी सी का रेशियो क्या होगा, आप बताएंगे 5:4 होगा,
ये आपका 5:4 दिया गया, तो अनुपात क्या आता, गुणा करा देते 15, 20 और 16, ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा आपने गलती कहां पे की थी। जी बिल्कुल, ये क्लास देखो एफ कैट वाली क्लास आपकी दोपहर में 1 बजे चलती है, 1 PM पर होती है। 3 दिन मैं पढ़ाता हूँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपके रविंद्र सन एडवांस मैथ पढ़ाते हैं। तो समझ में आया करेक्ट आंसर क्या होगा, 15:20:16 होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब एक कंसेप्ट आपको और बताते हैं। देखिए ए रेशियो बी दिया गया 2:3, ठीक, और बी अनुपात सी आपका दिया गया 6:7, ठीक, और सी अनुपात डी दिया गया आपका 10:15। आपसे पूछा जा रहा ए अनुपात डी क्या होगा, यानी कि फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर का डिजिट का रेशियो पूछा जाएगा, फर्स्ट और लास्ट का रेशियो आपसे अगर पूछा जाए तो ऐसे केस में क्या करते हैं। देखो मैं सीधा कंसेप्ट बता रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा, क्या करते हैं, जितने भी अनुपात दिए गए आप उनका क्या करते हो, सीधा गुणा करा लेते हो, जैसे ए बटे बी गुणे बी बटे सी गुणे सी बटे डी, ठीक है। देखो जब इनका गुणा कराओगे क्या होगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा और बचेगा क्या, ए बटा डी बचेगा, और यही आपसे पूछा जा रहा है। तो जब भी फर्स्ट और लास्ट का रेशियो आपसे पूछा जाए, जो भी अनुपात दिए गए, बस आप ये देख लेना क्रम में दिया गया हो, यहां पे बी पे खत्म है तो यहां पे बी पे शुरू होना चाहिए, यहां सी पे खत्म है यहां पे सी से शुरू होना चाहिए, ये एक बार आप देख लेना। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं करना, 2:3 × 6:7 × 10:15 इनका गुणा करा लो, 3 से डिवाइड कर दोगे आपका ये 2 आ जाएगा, और कुछ इसमें कटने लायक है नहीं, तो आप क्या करेंगे सीधा गुणा कर, अच्छा कट जाएगा ये 5 से 5 × 10 हो जाएगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, यानी कि 8/21 क्या होगा, 8:21 क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 8:21 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। क्या बताया गया, समझ में आया, फर्स्ट और सेकंड का अगर आपको रेशियो फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट और लास्ट का, तो आप क्या करेंगे सीधा सभी अनुपात का आप गुणा करा लोगे। अब देखो एक कंसेप्ट की अगर और बात करें, एक कंसेप्ट अगर मैं आपको और बताऊं, ऐसे देखो ये सब क्वेश्चन आपके सीधा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो आपके टॉपिक है जैसे परसेंटेज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, आपका टाइम एंड वर्क हो गया, वहां पे इन सब कंसेप्टों का क्या होता है, यूज होता है। देखो एक सिंपल सा अगर क्वेश्चन मैं आपको दूं, दिया गया है ए इक्वल टू 3B = 2C, देन ABC का क्या करना, आपको रेशियो बताना। देखो आसान सा छोटा सा क्वेश्चन दिया हो, क्योंकि यहां पे क्या करेंगे हम लोग कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। A = 3B = 2C ऐसा देखते होगे आपके टाइम एंड वर्क में भी बन जाता है और पार्टनरशिप में भी बनता है, कि ए द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा बी के 3 गुने के और सी के 2 गुने के क्या है, बराबर है, तो इनका उनका इतना प्रॉफिट होता है, बताओ ए का प्रॉफिट कितना है, यानी कि आपको क्या करना होता है वहां पे, रेशियो फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें, देखो मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा, कितने तरीके बताऊंगा, 3। पहला मेथड आप यहां पर ध्यान सुनो, पहला क्या है कंसेप्ट, अगर इक्वल का साइन के साथ आपके पास टर्म दी गई है तो एबीसी का रेशियो क्या होता है, इनके व्युत्क्रम के बराबर होता है, यानी कि इनके गुणांक के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होता है। भाई इसका कॉफिशियंट 1 है तो 1 का उल्टा भी क्या होगा, 1 ही होगा, 3 का उल्टा क्या होगा, 1/3 होगा, ठीक है, और 2 का उल्टा क्या होगा, 1/2 होगा, ठीक है। अब इसका अनुपात सही करने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे हर का, यानी कि सब में आप 6 से गुणा करा दोगे, तो ये आंसर आपका आ गया 6:2:3, ठीक है। अब देखो सेकंड अप्रोच आप ध्यान से सुनो, ये भी बेस्ट है और तीसरा वाला भी आपका बेस्ट होगा। आपको क्या करना है, जितने भी गुणांक दिए गए आप उनका एलसीएम ले लो, 1, 3, 2, इनका एलसीएम होगा कितना, 6, ठीक है। एलसीएम जैसे ही आपने ले लिया, अब आपको बस ये देखना है ना, एलसीएम आपने ले लिया कितना आया 6, अब सबको बनाना है 6। ये 6 कब बनेगा, जब ए की वैल्यू क्या होगी 6 हो जाएगी, ये 6 कब बनेगा, बी की वैल्यू क्या होगी 2 हो जाएगी, और ये 6 कब बनेगा, जब सी की वैल्यू क्या होगी 3 हो जाएगी, क्लियर है, बात समझ में आ गई।
और तीसरा मेथड, अगर तीसरे मेथड की बात करें उसमें क्या करना है, अगर आपको ए का रेशियो पता करना, क्या करो ए वाली टर्म छोड़ दो और बी और सी के कॉफिशियंट का गुणा करा दो, 3 × 2 = 6, ठीक है। बी का पता करना, बी को छोड़ दो, ए और सी के कॉफिशियंट का गुणा करा दीजिए, 2 × 1 = 2, और सी का पता करना तो सी को छोड़ दो और ए और बी के कॉफिशियंट का गुणा करा दो, 3 × 1 क्या होगा, 3 होगा। बात समझ में आई? तो 3 मेथड आपको बताए गए, पहला आपका क्या है, बेसिक कंसेप्ट है, और ये दूसरा और तीसरा क्या कर सकते हैं आप, इनका यूज अपने एग्जाम में कर सकते हैं, आपका समय काफी सेव हो जाएगा। हाँ, ये देखो एक आसान सा क्वेश्चन था, आप ऐसे भी बता सकते थे, इस पे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बनता है, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। बाकी होमवर्क के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूं, सभी लोग इसका अनुपात बताइएगा कमेंट करके क्या होगा, ठीक है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कल वाली क्लास में क्या होगा। ये दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, इसका आंसर सबको कमेंट करके बताना है। अब देखो कल आपका थर्सडे है, तो रविंद्र सर जो है जो एडवांस मैथ का आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं, शायद मेंसुरेशन आपको पढ़ाया जा रहा है, तो मेंसुरेशन आपका चलेगा। अब हमारी क्लास कब होगी, मंडे को होगी, ठीक है, और कल हम लेंगे पेड वाली क्लास में, जो आपका बैच स्टार्ट हुआ है 13 जुलाई से, उसमें 10 से 12 मैं पढ़ाऊंगा आपको मैथ, वीक में 3 दिन, वो भी लास्ट वाले, यानी कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे पेड वाली जो क्लास होती है आपकी, तो 10 से 12 क्या होगी उसमें मैथ चलेगी। तो जिनका पेपर है सितंबर में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, अभी 3 दिन हुआ है तो ज़्यादा सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं कराया गया है, अभी आप क्या कर सकते हो, अगर क्लास ज्वाइन करते हो वैलिडिटी भी 1 साल की मिलेगी, आप 2000 मान लो जिसकी तैयारी इस बार अच्छी नहीं, वो 2021 के लिए भी क्या कर सकता है, टारगेट कर सकता है। बात समझ में आ गई? हाँ, पूरा देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको मैथ पढ़ाया जाएगा, सभी सब्जेक्ट आपके क्या किए जाएंगे, कंप्लीट कराए जाएंगे। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप क्या करोगे, कूपन कोड कैपिटल Y192 लगाओगे, 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा और डबल वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद। और आज आपकी 6 बजे वाली और रात में 9 बजे वाली क्लास दोनों होगी।